हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन वेदांतु कॉमर्स चैनल एंड आई एम डिंपल तिवारी योर इकोनॉमिक्स मास्टर टीचर। आज हम वीडियो में क्या करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, जो भी ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। हम लोगों ने वेदांतु कॉमर्स पर बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स, इनके वीडियोस बनाए हैं टॉपिक से रिलेटेड, आपके जो सब्जेक्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड। तो आप उन सारे टॉपिक्स को देख कर अपनी प्रिपरेशन को बेटर से बेस्ट कर सकते हैं। देन व्हाई यू पीपल आर वेटिंग फॉर, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड जस्ट मीट मी इन द वीडियो। आज के डिमांड टॉपिक करेंगे, इससे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें कई बच्चों ने देखे भी हैं और उनको बहुत हेल्प भी मिली है इससे। तो आप भी जाकर वो वीडियो देखिए। और डिमांड के भी दो टॉपिक बन गए हैं, ये हमारा थर्ड टॉपिक है जो हमने लिया है, सब टॉपिक्स ऑल दो, ये पार्ट थ्री है डिमांड का। आज हम इस सेशन में क्या क्या करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि हमने लास्ट टॉपिक में क्या किया था। आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, ओके, लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, हमने देखे थे डिटरमिनेंट्स और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इनके डिटरमिनेंट्स क्या होते हैं, डिमांड किन फैक्टर्स से अफेक्ट होता है, चाहे इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो। और हमने फंक्शन रिलेशन देखा था इंडिविजुअल और मार्केट डिमांड में, क्या क्या रिलेशन, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, किस साथ इनका रिलेशन होता है। अब आज का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, आज हम समझने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड को, जिसमें हम इंट्रोडक्शन को समझेंगे, स्टेटमेंट लॉ का देखेंगे, स्टेटमेंट टू द लॉ, और उसी को समझेंगे टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, देन फैक्ट्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत अच्छा लगेगा डेफिनेटली, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही इम्पोर्टेंट ही। ठीक है, सो डोंट मिस इट, जस्ट बी विद मी टिल द लास्ट। लॉ ऑफ डिमांड हमने पहले देखना है, इंट्रोडक्शन ऑफ द लॉ पहले इसको समझेंगे, फिर स्टेटमेंट समझेंगे हम इसकी, कि इसका स्टेटमेंट अगर लिखना है तो लिखेंगे कैसे, फिर हम बात करेंगे अजम्पशंस पर, ये लॉ कब अप्लाई होता है, कौन कौन सी वो अजम्पशन है जब ये लॉ अप्लाई होगा, फिर हम स्केड्यूल और डायग्राम के थ्रू समझेंगे इस लॉ को, फिर कुछ फैक्ट्स की हम बात करेंगे, और डेरिवेशन और रीजन की बात हम, एक्सेप्शन, इनकी बात हम करेंगे लास्ट में, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, नॉट हियर, इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल राइट, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी जस्ट मूव टूवर्ड्स द वीडियो। नाउ इंट्रोडक्शन, फर्स्टली लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ डिमांड मतलब डिमांड जब है आपका तो उस पर कौन सा लॉ अप्लाई करेगा, इसकी बात सबसे पहले की किसने की, इसकी बात सबसे पहले की थी अल्फ्रेड मार्शल ने। अल्फ्रेड मार्शल का नाम आप और कहाँ सुन चुके हैं, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और इन्होंने लॉ ऑफ डिमांड को अपनी बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में 1890 में लिखा था। ठीक है, इन्हीं को न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोला जाता है, ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में आते हैं। कई सारे स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, जैसे एडम स्मिथ की बात की थी हमने, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया भी हुआ है, एडम स्मिथ हैं आपके, जे एस मिल हैं, ये क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोले जाते हैं, जो ये मानते थे कि इकोनॉमी में फ्री ट्रेड करने दो, कोई इंटरप्शन नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का या किसी भी चीज़ का, फ्री फिल होके काम करने दो तो अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल कर आती है। इन्हें न्यू क्लासिकल बोला जाता है, इन्होंने उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे थोड़ा सा रिफाइन करके इन्होंने अपनी चीज़ें इसमें एड ऑन करी। कार्डिनल अप्रोच भी इन्होंने दी थी, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा जो अभी, उसका आंसर है कार्डिनल अप्रोच में इन्हीं की बात हुई है। और इनकी जो डेफिनेशन थी वो किस बेस पर थी, मतलब वेल्थ रिलेटेड पढ़ी है हमने, वेलफेयर रिलेटेड पढ़ी है हमने, ठीक है, स्कैसिटी से रिलेटेड पढ़ी और ग्रोथ ओरिएंटेड पढ़ी है। तो अल्फ्रेड मार्शल ने जो डेफिनेशन दी थी वो किस पर डिपेंड थी, बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। अब इसमें जो रिलेशन होता है वो फंक्शनल रिलेशन होता है, मतलब यानी जो डिमांड है हमारा वो प्राइस के चेंज होने पर डिपेंड करता है। ठीक है, डी एक्स क्या बताता है, डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स, और प्राइस बता, पी एक्स बताता है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। चलिए जी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन किसके में, प्राइस एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, यानी प्राइस और जो अदर फैक्टर्स हैं प्राइस उसको डिमांड को इफेक्ट करते हैं, वो सारी फंक्शनल रिलेशन है। लेकिन फिलहाल हम लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ इन दो रिलेशन को ही पढ़ेंगे,
बाकी अदर को हम कांस्टेंट मानेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर बाकी के फंक्शन नहीं लिखे हैं। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड स्टेट द इनवर्स रिलेशन। पहली बात तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनवर्स रिलेशन होता है। प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होगी ही होगी, यही लॉ ऑफ डिमांड है। और ये रिलेशन किन दो के बीच में बताता है? प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, इन दो के बीच में ये रिलेशन को बताता है। बट यू हैव टू बी अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट एट दैट टाइम। आपको अदर फैक्टर्स को कॉन्स्टेंट रखना है। अदर फैक्टर्स मतलब मैडम, मतलब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। These other factors should be constant at that time when we are talking about the law of demand. Otherwise, we will not able to understand the law of demand. Okay? अगर आपको समझना है law of demand, तो आप मानेंगे कि other factors जो हैं आपके, उनको constant मान रहे हैं, सिर्फ price और quantity demanded में ही relation हम बता रहे हैं। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? उसका answer अभी आगे मैं आपको देती हूँ। इसी को फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। यहाँ पर हम बात किसकी करते हैं? कंज्यूमर के बिहेवियर की, यानी कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है जब प्राइस इफेक्ट करता है, प्राइस चेंज होता है, तो क्वांटिटी डिमांडेड पर क्या इफेक्ट आता है? डिमांड कौन कर रहा है? ऑब्वियसली कंज्यूमर कर रहा है। इसीलिए देन यहाँ पर अदर थिंग्स बींग इक्वल, अदर मतलब अदर फैक्टर्स जो अभी मैंने बताए ना, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम, your taste and preference and the future expectation, these should be constant. ये other factors हैं। इसके बाद में अगर price high होगा किसी commodity का, तो उसकी जो quantity demanded होगी वो smaller होगी, और अगर lower price होगा तो उस commodity का जो quantity demanded होगी वो larger होगी। तो हुआ ना कैसा relation? Opposite relation. That is why इसको हम बोलते हैं कि दोनों में कैसा relation होता है? Inverse relation होता है। ठीक है जी, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सी दिस एरो इज गोइंग अपवर्ड एंड दिस इज कमिंग डाउनवर्ड, सो द रिलेशन इज नेगेटिव ना, दैट इज व्हाई। नाउ ये अजम्पशन, अब कुछ अजम्पशन हम देखने वाले हैं कि जब ये बात हम लॉ की करेंगे तो ये अजम्पशन अगर है वहां पर तो लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज अप्लाई होगा ही नहीं। क्या क्या है अभी देखते हैं हम। फर्स्ट है कि इफ प्राइस ओनली द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, यानी जो जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं तो सपोज पेन कमोडिटी है, तो पेन का प्राइस और पेन की क्वांटिटी डिमांडेड की ही हम बात करेंगे। अगर हमने किसी अदर कमोडिटी को प्राइस को ले लिया, यानी अदर कमोडिटी का प्राइस फॉर एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, चौक हो सकता है अदर कमोडिटी यहाँ पर, तो इसको हम कॉन्स्टेंट मान के चलेंगे, ये अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट रहेंगे। तो फर्स्ट ये है, ठीक है। तो लेकिन सिर्फ यही फैक्टर नहीं है जो डिमांड को इफेक्ट करता है, फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन इस लॉ में हम मान के चलेंगे कि सिर्फ प्राइस इफेक्ट कर रहा है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। अब अदर फैक्टर्स क्या हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, इनकम, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड को PR से रिप्रेजेंट करिए, टेस्ट प्रेफरेंसेस को T से करिए, इनकम को Y से कर दीजिए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन को E से कर दीजिए या F नोट से कर दीजिए, टोटली अप टू यू, ठीक है। बट यू मेंशन इट कि आपको किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हमारे अदर फैक्टर्स हैं, इन्हीं को हम मान के चलते हैं कि ये कैसे हैं, ये है कांस्टेंट, ठीक है। अदर फैक्टर कांस्टेंट, तो दीज आर द अदर फैक्टर्स, ये सारे कैसे हैं, यही सारे अदर फैक्टर्स हैं जिनकी बात अब अभी हम लॉ ऑफ डिमांड में कर रहे हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि विल चेंज ओनली ड्यू टू प्राइस इन प्राइस एज अ फैक्टर। क्या लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ प्राइस ही बदलेगा क्वांटिटी डिमांडेड के लिए? यस, क्योंकि अदर फैक्टर कैसे रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ऑल्दो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं, बट लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए हम अदर फैक्टर कांस्टेंट रखेंगे, सिर्फ प्राइस को चेंज करेंगे, तब इसमें कितना चेंज आता है क्वांटिटी डिमांडेड में, इसको हम यहाँ समझ रहे हैं। अब फर्स्ट है अजम्पशन आपका कि जो सब्स्टिट्यूट गुड है उसका प्राइस चेंज नहीं होगा, कैसा रहेगा? सेम रहेगा और कांस्टेंट रहेगा कह सकते हैं। जैसे ये सब्स्टिट्यूट गुड है ना, टी एंड कॉफी, तो इन दोनों में से किसी का प्राइस चेंज नहीं होने वाला है, दोनों कांस्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि अदर गुड है, इसको हम PR से रिप्रेजेंट कर रहे थे। आप प्रीवियस वीडियो देखें, वहाँ आपको समझ में आएगा ये। वहाँ हमने सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड को समझाया हुआ है प्रॉपर। तो सब्स्टिट्यूट गुड किस में आता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, ठीक है। इसका जो भी सिनेरियो होता है इसी को हम क्रॉस डिमांड भी बोलते हैं, अंडरस्टूड। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी आपका रिलेटेड गुड में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड में ही आएगा, रिलेटेड गुड्स बोला जाता है इनको भी। यानी कार एंड पेट्रोल थे ना, कार एंड फ्यूल,
तो इसका भी प्राइस चेंज नहीं होगा, ऐसा मान के चलेंगे, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे हम। ऐसा नहीं चेंज हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन जब ये लॉ हम पढ़ रहे हैं तो हम मानेंगे कि ये दोनों कॉन्स्टेंट रहे, प्राइस ऑफ द कार भी और फ्यूल ऑफ द कार भी, दोनों ही कॉन्स्टेंट है। चलिए, तो ये तो हमारा पी आर हमने समझ लिया कॉन्स्टेंट रहेगा। फिर है इनकम ऑफ द कंज्यूमर विल रिमेन सेम, लोगों की कंज्यूमर की इनकम में कोई चेंज नहीं आएगा, ना कम होगी ना ज्यादा होगी, सेम इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये भी रहेगा कॉन्स्टेंट। अच्छा जी, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ फ्यूचर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ध्यान करिए लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है, यानी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है हमारी वो कॉन्स्टेंट रहेगी, मतलब प्राइस ना तो कम होने वाला है फ्यूचर में ना ज्यादा होने वाला है, ऐसा मान के चलेंगे। ठीक है, अब आप कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ सकता है, मैम चेंज तो हो सकता है, हो सकता है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ वी हैव टू अज्यूम कि दिस विल बी कॉन्स्टेंट, द प्राइस ऑफ फ्यूचर विल बी कॉन्स्टेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। ऑल राइट, चलिए, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का, उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, अगर मुझे चाय पसंद है तो मुझे चाय पसंद है, अभी भी पसंद है, जब तक लॉ ऑफ डिमांड पढ़ूंगी तब तक पसंद है, उसके बाद में चेंज हो जाए तो भले हो जाए। ठीक है, चलिए, अब ये तो हो गए हमारे अजम्पशन कि प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड चेंज नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस भी चेंज नहीं होगा, लोगों की इनकम बिल्कुल सेम रहेगी जो पहले थी, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस विल नॉट चेंज, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस विल नॉट चेंज, सो दीज अजम्पशंस विल बी अप्लाई व्हेनेवर वी विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, अगर इनमें से कोई भी वायलेशन होता है किसी चीज का तो द लॉ विल नॉट अप्लाई, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस लॉ विल नॉट अप्लाई, सो वी हैव टू बी अज्यूम कि ऑल दीज फाइव अजम्पशंस विल बी अप्लाइंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड। Now we will understand with the help of a schedule. अगर price, इसको हम मानते हैं ये पेन है हमारा, एक पेन आता है 5 रुपए का, उस टाइम पर 5 रुपए का पेन है, ठीक है भाई, हम एक क्वांटिटी ले लेते हैं इसकी, प्राइस हो गया कम 4 रुपए, अब क्या करेंगे हम, सस्ता हो गया भाई, अब दो पेन ले लेते हैं, इंक्रीज कर दिया ना प्राइस 3 रुपए और भी कम हो गया, क्वांटिटी मैंने और भी ज़्यादा बढ़ा दी, अब प्राइस हो गया लास्ट में जाके 1 रुपए, अरे यार अब तो बहुत सस्ता हो गया, आई थिंक आई शुड टेक 5 पेन नाउ, 1 रुपए का एक पेन आ रहा है भाई, कौन नहीं लेगा, तो हुआ ना इनवर्स रिलेशन, प्राइस विल गो डाउन एंड क्वांटिटी डिमांडेड विल गो अप, ऑपोजिट रिलेशन। चलिए अब इसे ग्राफ से समझते हैं, ये जो हमारा डिमांड कर्व है लीनियर कर्व भी होता है, यानी स्ट्रेट लाइन भी होगा, नॉन लीनियर भी होगा, यानी स्ट्रेट लाइन कर्विकल शेप में होगी आपकी। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी, जैसे अभी जो हमने पुराना स्केड्यूल देखा है कि जब 5 रुपए प्राइस है एक पेन लिया, 4 हो गया तो 2 लिया, यानी एक कम हो रहा है एक ज्यादा हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है यहाँ पर, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था ये, तो हम इसको मार्क करेंगे तो हमारा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, इसी को हम इसलिए क्या बोल रहे हैं, लीनियर कर्व, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, दैट इज वाई आपने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन 10th में, समझ पाएंगे आप। और अगर नॉन लीनियर की बात करें, मतलब नॉन स्ट्रेट लाइन, x और y एक्सिस है, x पे क्वांटिटी डिमांडेड ले लीजिए और y पे प्राइस ले लीजिए आप, ये इस शेप का बन जाएगा, ठीक है, नॉन लीनियर है ये, तो प्राइस ये है, क्वांटिटी ये है, प्राइस मान लीजिए डिक्लाइन कर जाता है तो क्वांटिटी आपकी इतनी हो जाएगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कर्व में आप समझेंगे डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है डिमांड कर्व, ठीक है, हमेशा इंडिकेट करता है इनवर्स रिलेशन को, ठीक, कर्व हैज नेगेटिव स्लोप, क्यों, आपका नेगेटिव ऊपर से नीचे की तरफ गिरता हुआ हो रहा है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है ये कर्व, अगर आप यहाँ खड़े होके देखेंगे, इधर खड़े हो तब यहाँ से आप शेप को देखेंगे तो आप समझेंगे इसका कैसा है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कॉन्वेक्स मतलब जब आप देखते हैं ना उसकी तरफ तो उसका पेट निकला हुआ टाइप ऐसा होता है शेप, तो उसको आप बोलेंगे, जब आपकी तरफ को पेट निकला हुआ हो तो कॉन्वेक्स है, और आपकी तरफ पेट अंदर को हो तो वो कॉन्केव हो जाता है, ठीक है, वैसे थोड़ा सा अजीब सा एग्जाम्पल है बट आप समझ सकते हैं आसानी से। अब फैक्ट्स की हम बात करते हैं, दिस लॉ अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन अदर फैक्टर, ये तो हमने बात की, ये लॉ मान के चलता है कि अदर फैक्टर कॉन्स्टेंट रहेंगे, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अब जो पहले बात की थी ना क्यों ऐसा हम मान रहे हैं, क्योंकि एक फैक्टर चेंज होने पर उसका कितना इन्फ्लुएंस होता है क्वांटिटी डिमांड पर, अगर इसे हमें समझना है तो अदर फैक्टर को कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा उस टाइम, अगर मान लीजिए सब चीज़ें चेंज हो जाए एक साथ, समझ में नहीं आएगा किसके चेंज की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आया है, इसलिए हम सोचते हैं एक चेंज करो बाकी को कांस्टेंट रखो, तब लॉ ऑफ डिमांड अच्छे से समझ पाएंगे। देन
फर्स्ट है इसमें फैक्ट कि इनवर्स रिलेशन होता है, दोनों में रिलेशन नेगेटिव है, एक के कम होने पर दूसरा इंक्रीज होगा एंड वाइस वर्सा। चलिए दूसरा है, यहाँ पर सिर्फ क्वालिटेटिव रिलेशन को बताया जाता है, क्वांटिटेटिव को नहीं। ये तो बताया प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन कितना कम होगा, कितनी क्वांटिटी बढ़ेगी, ऐसा तो कुछ नहीं बताया। यानी क्वांटिटी पे वर्क नहीं किया इन्होंने, सिर्फ क्वालिटी पर किया है। यानी कोई परसेंटेज नहीं बताया कि भैया 10% प्राइस कम होगा तो 20% डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, पता ही नहीं है। बस ये बताया कि इनवर्स रिलेशन है, दैट्स इट। तो यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने फिर अपनी गलती को सुधार कर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक टॉपिक बनाया, जिन्होंने उस पर क्वांटिटेटिव सिनेरियो को समझाया। यानी ये एक्सप्लेन करता ही नहीं है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, कि कितना चेंज आया क्वांटिटी डिमांडेड पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नो प्रोपोर्शनल रिलेशन, इन दोनों में कोई रिलेशन प्रोपोर्शनल नहीं होता कि इतने परसेंट चेंज होने पर इतना परसेंट ही चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो बताता ही नहीं है। इट डज नॉट एस्टैब्लिश एनी प्रोपोर्शनल चेंज, इट ओनली एक्सप्लेन्स क्वालिटेटिव, क्योंकि सिर्फ क्वालिटेटिव चेंज की बात करता है ये, इसीलिए। अब ये लॉ कैसा है, वन साइडेड है। वन साइडेड मैम, वन साइडेड का मतलब है कि प्राइस चेंज हो रहा है इसीलिए क्वांटिटी चेंज हो रही है, लेकिन क्वांटिटी भी तो चेंज होती है, कभी कभी डिमांड हाई हो जाती है इसीलिए प्राइस में चेंज आ जाता है, इस बात को इन्होंने समझाया ही नहीं है। तो इट ओनली एक्सप्लेन द इफेक्ट ड्यू टू प्राइस, प्राइस के चेंज होने पर क्वांटिटी चेंज होगी, ये तो आपने समझा दिया, लेकिन भाई डिमांड के चेंज होने पर प्राइस में कितना चेंज आता है ये तो आप बात ही नहीं करते हो, इसीलिए इसको वन साइडेड बोला जाता है। ये कैसा लॉ है, वन साइडेड लॉ है, ठीक है। ये हो गए हमारे कुछ फैक्ट्स लॉ के बारे में, इनवर्स रिलेशन है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, नो प्रोपोर्शनल रिलेशन एंड वन साइडेड। क्यों? क्योंकि सिर्फ प्राइस के इफेक्ट को बताता है, बाकी क्वांटिटी में चेंज हो रहा है फिर प्राइस में चेंज होगा इस बात को करते, क्योंकि दोनों चीजें चेंज हो सकती है, कई बार डिमांड के चेंज होने पर प्राइस इफेक्ट कर जाता है, लेकिन उसकी तो बताया ही नहीं अल्फ्रेड मार्शल ने, इसीलिए अपनी इस प्रॉब्लम को उन्हें रिजोल्व किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर में, जिसकी हम आगे बात करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग लगा हुआ, और लगना भी चाहिए क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई मस्ट टेल यू। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करो इस टॉपिक को, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, व्हाट वी हैव डन, दिस इज द समरी, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।